कस्बे में राजकीय जनजाति बालिका छात्रावास में अज्ञात बदमाश छात्रावास का ताला तोड़कर वे हजाली तोड़कर टीवी तथा सोलर बैटरियां चुरा कर ले गए थे। प्रकरण को दर्ज कर आसपुर पुलिस ने अनुसंधान के दौरान रेलवे स्टेशन उदयपुर से हाल पावर हाउस रोड आसपुर निवासी गोपी पुत्र किशन वागरी, दीपक पुत्र रमेश वागरी, राहुल पुत्र रंजी वागरी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से माल बरामद किया। खबर आपकी राजस्थान से, प्रवीण कोठारी की रिपोर्ट। आसपुर थाने के अंतर्गत हमारे पास जो यहाँ पे आसपुर कस्बे के अंदर बालिका छात्रावास है, वहाँ की वार्डन ने रिपोर्ट दी थी कि अज्ञात बदमाशान वार्डन की झालियाँ तोड़ के, खिड़की तोड़कर और एलईडी और बैटरियाँ चुरा के ले गए हैं। इस पर हमने प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान हटवालाल जी हरसा के जिम्मे किया गया था, जिसमें लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी। तो संजय जी हरसा जो हमारे थाने पर, उनको सूचना मिली कि इस तरीके की एलईडी चोरी करने के जो व्यक्ति हैं वो आसपुर के ही हो सकते हैं। और हमने फिर प्रयास किया था, आसपुर के अंदर जो एक घोल है, घोल गांव के अंदर एक वागरिया बस्ती है, वो तीनों अभियुक्त हम पुलिस से पूछता जब मुझे पता चला कि वो तीनों अभियुक्त वहाँ रहते हैं। तो जब पता चला था, एक गोपी और राहुल और दीपक करके तीन ये लड़के थे, इन्होंने आसपुर के जो छात्रावास है उसको तोड़ गया, इन्होंने वहाँ से एलईडी और ये बैटरी चुराई थी। अब पुलिस ने मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिए हैं और एलईडी भी बरामद कर ली है और आगे भी अनुसंधान है।